13 अप्रैल को जिला कलेक्टर को दिया जाएगा ज्ञापन। जिला अस्पताल के शिफ्टिंग का मामला। मंगलवार को अस्पताल संघर्ष समिति के तत्वाधान में जिला अस्पताल के स्थानांतरण के विरोध में धौलपुर शहर में जगन तिराहा से लेकर बस स्टैंड तक जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान आम जनों को अस्पताल के महत्व को समझाने और इसे स्थानांतरित करने के खिलाफ उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए है। इस जागरूकता अभियान में शहर के लोगों को बताया कि मेडिकल कॉलेज का खुलना धौलपुर शहर के लिए खुशी की बात है, लेकिन जिला अस्पताल का स्थानांतरण शहर के लोगों के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि शहर के अधिकांश घनी आबादी जिला अस्पताल के आसपास ही रहती है। इस विषय को लेकर संघर्ष समिति एवं शहर के अन्य लोगों द्वारा निर्णय लिया गया कि 13 अप्रैल 2024 शनिवार सुबह 11 बजे जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन के माध्यम से समस्या के बारे में अवगत कराया जाएगा। इस जागरूकता अभियान में अस्पताल संघर्ष समिति के सदस्य एवं शहर के काफी लोगों ने भाग लिया। आज दूसरा दिन है जनसंपर्क अभियान का। बड़े जोश और खरोश के साथ जगन टाकी से लेके 70 रोड बस स्टैंड तक सारे कार्यकर्ता सारे लोगों का समर्थन अपार मिल रहा है, और हम लोग जब तक हॉस्पिटल की ये घोषणा नहीं होगी कि यथावत स्थिति रहेगी, हम इलेक्शन बायकॉट करेंगे और हम जी जान से आखिर तक लड़ते रहेंगे। जय आदरणीय भाइयों, एक अजीब ही बात है कि और जगह मोहल्ले मोहल्ले में क्लिनिक खुल रही है और यहाँ जो 100 साल पुराना अस्पताल है उसको हटा दिया गया। आप एकजुट होइए, संघर्ष कीजिए, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरा आज से सब यही घर घर से निकलो, इनको बता दो कि तुम्हारी ताकत के सामने हमारी ताकत कितनी बड़ी है। ये अधिकारी ये नेता ये समझते हैं कि हम जो चाहेंगे कर लेंगे, ऐसा हरगिज नहीं होने दें। आप समझ लो ये जिंदगी का सवाल है, मौत और जिंदगी का सवाल है, इसके लिए संघर्ष संघर्ष संघर्ष। ये लड़ाई कमजोर लड़ाई ना समझे प्रशासन, इस लड़ाई के लिए पूरी धौलपुर एकजुट है। हमारा दूसरा दिन है आंदोलन का। हम हॉस्पिटल नहीं किया तो हम ईट से ईट बजा देंगे और वॉकआउट कर देंगे, वोट नहीं डालेंगे। जो है हॉस्पिटल का विरोध 28 तिथि की घोषणा हो जाएगी, जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे आखिरी मत तक करते रहेंगे। मांगे पूरी नहीं करेगा, हम इसी प्रकार आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, तब तक हम सभी इसी प्रकार संघर्ष करते रहेंगे। जय हिंद जय भारत।